मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी स्वस्थ हूँ और जो है आज ना सुबह से ही बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है और आज भी पूरे दिन नहीं छूटेगा हमें पता है, क्योंकि मम्मी के गाँव में जब थे उस दिन भी पूरे दिन आए थे बारिश और मैं बारिश में ही मतलब ब्लॉग बनाई थी। आज भी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा और अगर अभी नहीं बनाऊंगी ना तो बाद में नहीं सकूंगी बनाने के लिए, क्योंकि बाद में हम भी चले जाएंगे रोपा लगाने के लिए। तो अभी जो है बारिश देख रहे हैं कैसे गिर रहा है, इस टाइप से बारिश हो रही है और मैं जा रही हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि अभी नहीं बनाऊँगी तो पूरे दिन तो घर में रहूँगी नहीं। अगर थोड़ा सा भी रुकेगा बारिश फिर भी से बना नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स और यहाँ बस बनाऊँगी आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अभी ना सुबह का समय है फिर भी से पता है शाम जैसा लग रहा है मेरे घर पे, क्योंकि लाइट नहीं है। देखिए पूरा अंधकार पड़ा हुआ है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ देख रहे हैं पूरा सीलन हो जा रहा है। जो ब्लैक ब्लैक आप लोगों को दिख रहा है वो पूरा सीलन हो जा रहा है। अभी ना इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, मम्मी के घर पे थी उस दिन भी पूरे दिन बारिश आए और हम लोग कल आए ना घर फिर भी से थोड़ा थोड़ा दिन भर गिरा बारिश सुबह से लेकर के शाम तक। हम लोग ना उस दिन आने को निकलने वाले थे जल्दी, लेकिन सुबह से बारिश आ रही थी, मम्मी बोलती है कि रुकेगा बारिश फिर जाना ऐसे करके, तो वेट करते करते हम लोग को दोपहर हो गया था टाइम, तब जा करके हम लोग निकले हुए थे घर आने के लिए। तो उस दिन भी नहीं रुके हुए थे, बारिश आ ही रहे थे थोड़ा थोड़ा और आज भी वही हालत है, सुबह से ही आ रहा है बारिश। तो अभी ना क्या बोलते हैं मेरे घर में पूरे साइड सीलन होने वाली है, तो हमारे यहाँ पे बोलना चाहिए तो खेत के पास घर बना हुआ है इसलिए सीलन होती है, और जिनका घर जो है अच्छा जगह में होती है उनका सीलन नहीं होता है। तो इसको ना मैं क्या करूँगी सोच रही हूँ, हमें ये जो फूल बनाया हुआ है ना वो मतलब ख़राब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है अब, तो मैं सोच रही हूँ सफ़ेद मिट्टी से पुताई किया हुआ है वो पूरा का पूरा सीलन की वजह से ब्लैक दिखाई देता है, तो उसको मैं सोच रही हूँ पुताई करके जो लाल मिट्टी नीचे की हूँ वही मिट्टी से जो है ऊपर का भी कर दूँगी पूरा, यहाँ से ये जो दिख रहा है सीलन यहाँ से पूरा कर दूँगी, ताकि जो है और मतलब सीलन हो जाए बहुत ज़्यादा तो ब्लैक मतलब दिखाई ना दे ऐसे करके। तो मैं चलती हूँ इसी को पुताई करने के लिए और आप लोगों को भी दिखाऊंगी पुताई करके लाल मिट्टी से। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग्स के एंड तक, फुल एंजॉय कीजिएगा। नेचुरल वॉइस भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स, पता नहीं आप लोगों को ज़्यादा बारिश का आवाज़ आएगा या फिर नेचुरल वॉइस का, वो तो हमें पता नहीं है। और थोड़ा सा अंधकार भी लगेगा क्योंकि लाइट सुबह से नहीं है और पता है मेरा फ़ोन में तो चार्ज ही नहीं है, मैं उनके पापा जी का से बना रही हूँ, मेरा पड़ा हुआ है वैसे ही, क्योंकि ज़्यादा बैटरी ही नहीं टिकता मेरा वाला और उनका में टिकता है, तो उन्हीं का से बनाने जा रही हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए मैं इसका घोल जो है वो बना रखी हूँ, ये देखिए लाल मिट्टी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए जो ले करके आई थी ना उधर से वही वाला है। और इसमें ना मैं थोड़ा सा हल्का सा गेरू मिट्टी डाल दी हूँ फ्रेंड्स, गेरू मिट्टी मिलाया है हल्का सा, तो थोड़ा सा इसका कलर जो है ना और ज़्यादा चेंज लग रहा है, देख रहे हैं सामने कैमरा की हूँ फिर भी से बिल्कुल भी फीका नहीं लग रहे हैं, ये देखिए कुछ कलर नहीं डाली हूँ सिर्फ वही डाल दी हूँ, लाल मिट्टी है और जो मार्केट से ले करके आए हुए थे गेरू मिट्टी उसी को मिक्स कर दी हूँ। तो अब चलती हूँ मैं इसी से पुताई करने के लिए और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, अगर अभी नहीं करूँगी ना ज़्यादा सीलन हो जाएगा तो नहीं बनेगा पुताई करने के लिए, करूँगी भी तो सूखेगा नहीं और होना भी शुरू हो गया है, देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। और जो लाल मिट्टी की हूँ उधर का ब्लैक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि लाल मिट्टी जो है वो छुपा दे रहा है और ऊपर वाला सफ़ेद मिट्टी जो है वो पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक पूरा चारों ओर हो जाता है हमारे घर पे सीलन। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करने चलती हूँ, आप लोग बने रहिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है ना लिपाई करना शुरू कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग, और जो है हमारी सीलन जो है अब छुप जाएगी दिखाई नहीं देगा।
नहीं तो फिर सफ़ेद में बहुत ज़्यादा काला काला नज़र आते हैं और जो है चारों ओर हो जाता है हमारे घर पे, सारी तरफ हो जाती है। और किसी किसी का घर पे ना कितना भी बारिश हो लेकिन जो है ना सीलन नहीं होती है। तो आप लोग ना वीडियो को पूरी देखिएगा फ्रेंड्स और फुल एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा भी कि कैसा बना हमारा ब्लॉग और कैसे बनाना चाहिए, कहाँ पे गलत हुआ है वो भी बता दीजिएगा ताकि हम अगले ब्लॉग में सुधार भी सकें। और एक फ्रेंड्स हमें बोल रहे थे अपनी मायके का जो है काला मिट्टी और लाल मिट्टी दिखाने के लिए, बट नहीं दिखाए। तो उनका कमेंट्स आया था कि आप जो है हमारा रिक्वेस्ट बिना पूरे किए अपने मायके अपने ससुराल आ गई। तो आ तो गई हूँ बट मैं क्या करूँ, नहीं दिखा पाई। वहाँ काम इतना ज़्यादा था ना कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलते थे ब्लॉग बनाने के लिए। बहुत मुश्किल से मैं ब्लॉग बनाया करती थी वहाँ, तो फिर आ गए यहाँ पर। तो वहाँ ना दिखा सके कोई बात नहीं, यहाँ आपको दिखा दे रही हूँ लाल मिट्टी का पुताई, बट जो है काला मिट्टी का नहीं दिखा पाई हूँ। बट एक आध दिन फिर दिखा दूँगी। तो फिर और एक फ्रेंड्स हमें कह रहे थे आप जब चले जाती हैं अपने मायके तो फिर अपना मुर्गियों को कौन देखभाल करता है, ऐसे बोल रहे थे। तो हमारा मुर्गियों को उनके पापा जी देख रहे थे, छोटी के पापा जी, क्योंकि हम लोग बस थे वहाँ पर, वो नहीं थे। बस हम लोगों को वहाँ पहुँचा करके और वो वापस घर आ गए थे, तो फिर वही देख रेख कर रहे थे। और फिर लेने गए थे उस दिन भी मुर्गियाँ खोल करके चले गए थे और जो है तुरंत से वापस आ गए। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, 30-40 किलोमीटर है, तो फिर सुबह निकल जाने से वापस भी आ जाते हैं, तो इसलिए जो है बन जाता है। और ज़्यादा दिन रहने को होता है तो फिर हम लोगों को पहुंचा करके छोड़ करके वापस आ जाते हैं। और एक दिन जाना रहता है तो मुर्गियां जो है उसे ढक देते हैं और एक दिन दो दिन के लिए चारा जो है वो डाल देते हैं उनके लिए, तो बन जाता है। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स और जो है नेचुरल वॉइस का आनंद लीजिए। और शायद तक मुझे लग रहा है कि बारिश की आवाज़ जो है वो ज़्यादा आएगी और लिपाई का कम, क्योंकि बारिश बहुत अधिक आ रही थी। और पता है आप लोगों को, मैं तो सोच रही थी कि छूटेगा बारिश, लेकिन छूट नहीं रहा है। 24 घंटे हो गए बारिश आते आते, दिन और रात, समझ नहीं आ रहा है कब छूटेगा। और मानसूनी हवा साथ में चल रही है। बीच में ना फ्रेंड्स लिपाई ही छोड़ करके मुझे पानी भी ले आना पड़ा, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी। और मैं सोची थी रोपा लगाने के लिए जाऊंगी, लेकिन गई नहीं मैं किसी का में रोपा लगाने के लिए, घर पर ही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे थे और मानसूनी हवा चल रहे थे। तो इस टाइम पे ना बारिश रुका हुआ था, तो गई थी तो मेरे भरते तक फिर से बारिश जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। और देख सकते हैं कितना अधिक पानी जो है वो इकट्ठा हो गया है खेत सब में, और पानी फिर से आने लगा। और पीने के लिए पानी भी नहीं था तो मैं लिपाई छोड़ करके ही चली गई थी बीच में, और आधा लिपाई हमारा बाकी ही रह गया था। तो बारिश आ ही रही थी और जो है मैं पानी लेकर के आई, फिर से लिपाई करना स्टार्ट कर दी यहाँ पर। तो एक साइड का कंप्लीट कर ली थी और दूसरे साइड का बाकी रह गया था, तो इसको भी कर दे रही हूँ क्योंकि इसमें भी सीलन होती है।
जब सिलन हो जाती है तो ब्लैक हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, और जो है ये लाल कलर ना छुपा देती है, तो इसलिए मैं सोची कर देती हूँ। और वैसे भी एक हमारी फ्रेंड्स को लाल मिट्टी की पुताई पसंद और जो है दिखाने को कह रहे थे, तो रिक्वेस्ट इतने कि हमें किसी का जो है मना करने का मन ही नहीं करता, तो मैं सोची क्यों ना कर देती हूँ, तो इसलिए जो है कर रही हूँ। तो बने रहिए आप और जो है देखते रहिए कि कैसे करते हैं उसको। बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों मिट्टी को मिक्स करके लिपाई करने में, और कलर इतना प्यारा लग रहे थे फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। सूखने के बाद भी अच्छे लग रहे थे, बट जो है थोड़ी सी लाइट की वजह से थोड़ा सा साफ जो है वो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे थे, बट रियल में बहुत अच्छे लग रहे थे हमें। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए गाइस, हमारा लाल और गेरू मिट्टी दोनों मिक्स करके मैंने पुताई कर दिया है। ऊपर देखिए सफ़ेद है और नीचे जो है वो लाल और गेरू मिट्टी दोनों मिक्स करी हूँ, और उतना साफ जो है ना वो नहीं लग रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं, तो उसी की वजह से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बट जब लाइट रहेगी तब बहुत प्यारा लगेगा और जो है उजाला रहेगा उस टाइम पे। और उस साइड का भी मैं वैसे ही कर दी हूँ, ये देखिए पूरा वहाँ से लेकर के पूरा इसको दोनों दीवार को सेम सेम मैं लिपाई कर दी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो हमारा पुताई जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप सभी को कैसा लगा हमारा लिपाई आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो है अगर कहीं पे गलत हुआ होगा कुछ नहीं आया होगा तो आप लोग वो भी बताइएगा, हमें अच्छा लगता है आप लोग बताते हो तो। और एक फ्रेंड्स तो हमें कमेंट्स किए थे कि आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं जो कि इस ब्लॉग पे नहीं दिखाई देते हैं, तो मैं सोची आप लोगों को बता दूंगी क्योंकि जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको शुरुआत से ले करके देखना भी पसंद होती है, और उनके जो है ज़िंदगी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी टाइप से। तो फ्रेंड्स हमारे सास ससुर जो है ना वो गांव पे ही रहा करते हैं, हमारे घर से लगभग हाँ बोलना चाहिए 50 कदम दूरी पे है घर उनका, और सास ननद देवर सभी लोग हैं, बट जो है उन लोगों से हम लोगों का बात वगैरह नहीं होता है ना, उन लोग हम लोगों से करते हैं ना हम लोग उनसे करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को तो उन लोगों ने जीते जी मार डाला है बोलना चाहिए तो। और हमारे ससुर जी नहीं रहते गांव में, वो बाहर रहते हैं रूम पे, तो हमारे पास सिर्फ ससुर जी का बात होती है, और उनका आना जाना भी होता है हमारे यहाँ कभी कभी, मंथ में एक बार दो मंथ में एक बार बच्चों को देखने के लिए आते हैं और जो है तुरंत वापस चले जाते हैं। और सभी लोग हैं बोलना चाहिए तो, एक बेटी को बहू को अपने ससुराल में
माँ बाप के रूप में सास ससुर मिलता है और भाई बहन के रूप में ननद और जो है देवर। सारी चीज़ जो है हमें मिले हुए थे, भरपूर थे हमारे लिए, बट सिचुएशन ऐसा हुआ कि सब अलग अलग हो गए हैं। बहुत बड़ा मतलब क्या बोलना चाहिए, रीजन्स हैं और जो है प्रॉब्लम है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे गांव के लोग भी हमारा ब्लॉग देखा करते हैं। शायद मैं कुछ बोल दूँ और उन्हें बुरा लगे और जो है हमारा वीडियो देखें और हमें फिर से झगड़ा ना करने लगे। इसी वजह से मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, बस इतना ही बता दे रही हूँ कि सब लोग गाँव में रहते हैं, बस मेरे ससुर जी नहीं रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि हमारा ब्लॉग पसंद आई है आप सभी को तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी साथ में कर दिया कीजिएगा। तो हमारा ब्लॉग जो है आज का यहीं तक रहेगा फ्रेंड्स, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और जो है अच्छा से अच्छा ब्लॉग लाने की फुल कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त लेना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।